दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जब अपने मंत्रियों के साथ जवान देखने थिएटर पहुंचे तो बहुत बड़ा बवाल मच गया। जवान एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है जिसको हर कोई देखने आ रहा है, और राज्यसभा के अंदर बैठे हुए लोग भी इस मूवी की काफी ज्यादा तारीफ करते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि उससे पहले अरविंद केजरीवाल और अखिलेश्वर यादव ने भी मूवी की काफी ज्यादा तारीफ की थी। वहीं दोस्तों, जवान की कमाई कहीं भी रुकने का नाम नहीं ले रही है और इस मूवी ने अपने 6 दिनों के अंदर ही 600 करोड़ का बिजनेस करके सब रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और अगर हम ट्रेड पंडितों की बातों को माने तो ये फिल्म अपने कुछ ही दिनों के अंदर ही 1000 से 1500 करोड़ का बिजनेस कर सकती है। फिल्म के अंदर शाहरुख खान का दमदार एक्शन और एटली कुमार की अच्छी डायरेक्शन देखने के बाद थिएटर में सिर्फ और सिर्फ सीटियां ही बजती हुई नजर आती है। फिल्मी एक्सपर्ट्स ने इस मूवी को सुपर ब्लॉकबस्टर का लेबल दिया है, और इस मूवी के अंदर जो एक्शन सीन्स देखने को मिलते हैं वो आज से पहले किसी भी बॉलीवुड मूवी के अंदर देखने को नहीं मिले थे। अब यहाँ पे पठान का रिकॉर्ड भी टूटने वाला है, क्योंकि जवान सबका बाप है और यह बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड को मसल के आगे पठान का रिकॉर्ड तोड़ने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। वहीं इंडिया से बाहर भी अमेरिका में भी इस मूवी को काफी ज्यादा सपोर्ट मिल रही है और ओवरसीज के सारे रिकॉर्ड भी जवान अपने नाम कर चुकी है। वहीं इस बात को भी आपको भूलना नहीं है कि जवान के एक्शन डायरेक्टर फास्ट और फ्यूरियस के हैं, जो काफी ज्यादा अच्छे एक्शन सीन्स को बनाते हैं। जवान ने पठान को भी पीछे कर दिया है एक्शन के मामले में, और यहाँ पर जिस तरीके से जवान का क्रेज हर दिन इंक्रीज हो रहा है, ये मूवी और भी बड़े बड़े रिकॉर्ड क्रिएट करने वाली है। आपको क्या लगता है जवान कितना कमा सकती है, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ कनेक्ट हो जाए ताकि आपको जवान की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।